brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. क्या मुसलमानों से राय नहीं ली गई कि कौन किसको टिकट देना चाहिए? मेरे भाई, मुसलमान ही नहीं इस प्रदेश में रहते हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। देखिए, जो एक एक बात आ रही थी वो बार बार यही आ रही थी, जो नगर निकाय चुनाव में भी हमने देखी। मैं मुसलमान का जो सवाल कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मकसद ये है, नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम विधायकों ने अतुल प्रधान का विरोध किया क्योंकि वो अपने लिए टिकट मांग रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अब भी यही बात आई कि कहीं ना कहीं अतुल प्रधान को टिकट देने जब दिया गया तो उन्हीं लोगों ने विरोध किया। मैं इसलिए बार बार इस बात को आपको देखो, वो एक अलग मैटर था, वो ओबीसी का था तो वो अलग कंडीशन थी, वो एक अलग चुनाव है। लेकिन ये बड़ा चुनाव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और मैं जैसे अखिलेश जी कहेंगे जहाँ जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं सभी कैंडिडेटों का चुनाव प्रचार करूँगा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ उस्मान चौधरी। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने तीन प्रत्याशी बदलने पड़े। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह एडवोकेट को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद में अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया और तीसरी बार में योगेश वर्मा की पत्नी हैं सुनीता वर्मा, पूर्व महापौर हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। सभी फोकस जो था, एक बात कही गई कि जब समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को टिकट दे दिया तो वहाँ बात बताई गई कि जो मुस्लिम विधायक हैं मेरठ के, उन्होंने धमकी दी कि अगर वो अतुल प्रधान का टिकट नहीं बदलता है तो वो उनका साथ नहीं देंगे। वहीं यही चीज़ नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिली थी, जब मेरठ के जो मुस्लिम विधायक थे उन्होंने अतुल प्रधान का साथ नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वर्कर हैं और क्या उनके पीछे सोच है, वो क्या सोचते हैं, इन बातों में कितनी अफवाह है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, जो मुस्लिम विधायक हैं वो अतुल के ख़िलाफ़ क्यों हो रहे हैं या वो योगेश के ख़िलाफ़ हैं या योगेश के साथ हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर आदिल जी, आप शहर अध्यक्ष हैं, आखिर क्या वजह है समाजवादी पार्टी को इतनी बार अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा? क्या पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अतुल का मुस्लिम विधायकों ने विरोध किया और क्यों किया? ऐसा नहीं है किसी मुसलमान ने अतुल प्रधान जी का विरोध नहीं किया। ये सब मीडिया की जो झूठी खबरें चल रही हैं, मुसलमान क्यों करेंगे विरोध बताइएगा? नगर निकाय चुनाव में किया था। देखो, वो एक अलग मैटर था, वो ओबीसी का था तो वो अलग कंडीशन थी, वो एक अलग चुनाव है। लेकिन ये बड़ा चुनाव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या आपको लगता है कि तीन बार जो प्रत्याशी बदला गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। और यह कि हमारा अब कैंडिडेट जीतेगा, अगर अतुल प्रधान जी लड़ते वो भी जीतते, अब जो ये लड़ेंगे सुनीता वर्मा जी ये भी जीतेगी। सब लोग क्या है उसमें, मुस्लिम हो, दलित समाज हो और सभी लोग हैं, सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भारी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि बड़ी तादाद में सब लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। आप पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, क्या अखिलेश यादव ने पहले इस चीज़ का कोई ट्रैक नहीं बनाया था कि किसको वोट, किसको टिकट देना है, क्यों देना है, किसलिए देना है? कोई ये सब चलता रहता, परिस्थिति बदलती रहती है, जैसी परिस्थिति होती है उसी हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अब तो सब फाइनल हो गया, सुनीता वर्मा जी को कैंडिडेट बनाया है और हम सब लोग मिलकर सुनीता वर्मा जी को चुनाव लड़ाएंगे। ऊपर अभी प्रधान जी ने भी कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और मैं जैसे अखिलेश जी कहेंगे जहाँ जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं सभी कैंडिडेटों का चुनाव प्रचार करूँगा। अच्छा, आपका क्या नाम जी? लियाकत सैफी है। लियाकत जी, तीन बार टिकट बदला गया समाजवादी पार्टी का, लगातार ऐसी स्थिति हो गई कि खबरें आई कि अतुल प्रधान जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो योगेश वर्मा को नहीं लड़ने देना चाहते और अतुल प्रधान का टिकट हुआ तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि वो अतुल को नहीं ला। इन सब पीछे जो सब कारण हैं, क्या इससे प्रभावित नहीं होगा वोटर? असल में ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे पूरी नहीं, पिछले 10 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, हम भी कवरेज कर रहे हैं कि रोज़ नई बात आ रही थी और जो ये अफवाह ना उड़ती है या ये खबरें ना होती तो पीसी ना करनी पड़ती इनको। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे का निर्णय है वो बिल्कुल नपतुला रहता है, वो बिल्कुल नपतुला रहता है। ये तो देखिए, थोड़ी सी मतलब
जैसे हम वर्कर हैं, हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं जी, इस बात को तो हम भी जानते हैं क्योंकि अतुल प्रधान जी हमारे नेता हैं और सुनीता वर्मा को और आपके विधायक इनके पति को ये लाने वाले समाजवादी में अतुल प्रधान हैं। इन्होंने इनके साथ बहुत ताकत, बहुत मेहनत, बहुत पैसा भी खर्च किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। अब अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है कि भाई प्रचार जी जैसे वो हमारे यहाँ दिल्ली के आ गए थे भानु प्रताप जी, उसके बाद में लोगों में ये हुआ थोड़ा सा, कुछ लोग कहने लगे कि यार बाहर के प्रत्याशी हैं, तो दबाव पड़ा हमारे शहर के लोगों को, हमारे क्षेत्र का आदमी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अतुल प्रधान भी बेहतर चुनाव लड़ता है, ऐसी बात नहीं। ये और सभी सर्व समाज के वोट लेने का इन्हें अधिकार था और लेते भी हैं। अब उसमें फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना कोई निर्णय बदला लिया उन्होंने तो उस पर भी सभी अमल करेंगे, जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरे हापुड़ मेरठ हापुड़ लोकसभा में, सब इस बात को निर्णय लेंगे, लब्बैक कहेंगे, समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। आपका क्या नाम है? एहसान अंसारी। एहसान जी, समाजवादी पार्टी में सबसे तीन प्रत्याशियों में सबसे बेहतर कौन? सबसे बेहतर तो वो है जो इस वक्त है मौजूद। फिर जब सबसे बेहतर था तो फिर ये क्यों हुआ, तीन बार बदलना पड़ा? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था और उन्होंने जो फैसला लिया वो बेहतर है शहर के लिए और हमारे जो हिंदुस्तान का अब ये मामला चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में जो है हमें इस पार्टी को हराना, मिलकर किसको? बीजेपी को, सबको हराना है। सब जाति साथ लगी हुई है, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बीजेपी को हराने का काम कर रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी सहजी नहीं थी, तीन बार आपको टिकट बदलना पड़ा, तो हराएंगे कैसे? इस वक्त आप शहर में घूमिए, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप घूमते हैं और जनता ने मन बना रखा था शुरू से ही कि गठबंधन को वोट देनी है और गठबंधन ही इंशाल्लाह जीतेगी और हर हालत में हम गठबंधन को वोट देनी होती तो भानु प्रताप का टिकट क्यों बदलना पड़ता? वो आए थे, उन्हें दे देते सब। नहीं, उन्हें टिकट फिर उनका विरोध क्यों हुआ? विरोध कोई नहीं हुआ, ये समझो जैसा वहाँ से आदेश आया लखनऊ से वैसे टिकट कट गया, उनका कोई बात नहीं। फिर अतुल जी का हो गया, अतुल जी जैसे ही उतरे मैदान में और एकदम शहर में चर्चा हो गई और अतुल जी बहुत अच्छे चुनाव लड़ते, लेकिन ना जाने क्या परिस्थिति उनकी बनी और टिकट बदलना पड़ गया। और अब जो कैंडिडेट है हमारी मेयर सुनीता वर्मा, अब उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। आपका क्या नाम? मेरा मोबिन। मोबिन भाई, आपका क्या कहना है? अभी तक तो ये सब लोग घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, बताओ। नहीं, मेरा कहना तो यही है कि यहाँ इंडिया गठबंधन बहुत वोटों से जीतेगा, इसकी जीतने की वजह यह है। आप जो है ना वो बातें तो कर रहे हो, जीतेगा। मैं एक मिनट आता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल खान, गठबंधन जीतने की बात कर रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तीन बार टिकट बदलना पड़ गया, तीसरी बार में भी अब चौथी दफ़ा इनको पीसी करनी पड़ गई कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, कैसे जीतोगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो पालन किया जाएगा, उसी पर। आप लोगों ने नहीं बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लिए ये प्रत्याशी अच्छा है, ये प्रत्याशी बुरा है? आप मुसलमान कार्यकर्ता हो सभी पार्टी के, क्या आपने नहीं पूछा गया आपसे? उनके लिए सब कार्यकर्ता और सब पूछा गया पहले? नहीं नहीं, मेरे से तो जब पूछा जाएगा, हमारे जो बड़े हैं महानगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जी आपसे पूछा गया क्या, किस चीज़ का, प्रत्याशी कौन अच्छा रहेगा? नहीं, उन्होंने कहा या तो आपस में आप सहमति बना लो। जब हमें बुलाया था 12 तारीख में भी हमें बुलाया, 15 में भी बुलाया, जितने भी टिकट मांग रहे थे सब लोग पार्टी के जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा या तो आपस में आप तय कर लो, एक सहमति बना लो, जितने आप सहमति कर देंगे हम उसे टिकट दे देंगे। सहमति बनी नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने जो भी टिकट दे दिया तो फिर उसको मानना चाहिए? क्या मुसलमानों से राय नहीं ली गई कि कौन किसको टिकट देना चाहिए? मेरे भाई, मुसलमान ही नहीं इस प्रदेश में रहते हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, देखिए जो एक बात आ रही थी वो बार बार यही आ रही थी, जो नगर निकाय चुनाव में भी हमने देखी। मैं मुसलमान का जो सवाल कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मकसद ये है, नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम विधायकों ने अतुल प्रधान का विरोध किया क्योंकि वो अपने लिए टिकट मांग रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अब भी यही बात आई कि कहीं ना कहीं अतुल प्रधान को टिकट देने जब दिया गया तो उन्हीं लोगों ने विरोध किया, मैं इसलिए बार बार इस बात मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे लिए जितने भी यहाँ हमारे दोनों विधायक हैं, यहाँ तीनों बल के तीन हैं विधायक, शहर हैं दो, एक देहात के हैं, एक किठौर के हैं, तीनों विधायक हमारे अपने हैं। लेकिन अतुल प्रधान जो है
किसी एक समाज का नेता नहीं है। इसने अभी वहाँ आंदोलन करा था डॉक्टरों के खिलाफ, उसमें खाली एक मुस्लिम या दवा लेने नहीं जा रहा या मुस्लिम ही ऑपरेशन कराने नहीं जा रहा, पूरी ज़मीन पे आ करके उन्होंने जो अंचल किया था वो पूरे प्रदेश के हर समाज के लिए किया था। हैं जी, इनकी हालत बिगड़ गई थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की कि इस बात को अब थोड़ा सा ऐसा कर लो कि डॉक्टर अपनी बात को मानने को तैयार। अच्छा, इस बार मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं आया? मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं आया? हाँ, फिर सुनो मेरी बात, मुस्लिम प्रत्याशी आए के हमारे यहाँ क्या करेगा? मेरे ठाकुर लोकसभा को ये बताओ, यहाँ 18 लाख के करीब जो है वोटर, 20 लाख हाजी याकूब सिर्फ 5,000 वोटों से रह गए थे। हाजी याकूब जो 5,000 वोटों से रह गए थे, वो एक समाज की वोट नहीं थी, वो बसपा से गठबंधन था और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी आदेश थे कि इसे जो है इस चुनाव को जो है जिताइए, हमने जिताया वो। लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी को क्यों तवज्जो नहीं दी गई इस बार? देखो, मकसद यह है कि सीट कैसे निकली जाए, एक कंडीडेट तो कुछ नहीं होता, मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। तो यह है कि ये हरा सकते हैं, खाली मुसलमान से बात बननी रही थी। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम जगत पोसवाल है। जी जगत जी, बताएं आप कहना चाह रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया था सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन। देखिए, सबसे अच्छा प्रत्याशी जो है मेरठ और हापुड़ लोकसभा में, वो है अतुल प्रधान। वो सबके मसीहा हैं। अभी आपने पूछा था, अब बाबूजी ने बताया था कि जो ना, देखिए अभी दवाइयों का जो काम वो चला था नर्सिंग होम पे, जो इन्होंने हड़ताल की थी, वो हड़ताल उन्होंने अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, नहीं की थी, वो आम जनता के लिए की थी। उन्होंने दिन रात एक कर कर भूखा प्यासा रहकर पब्लिक के लिए, जनता के लिए कहा। जनता की आवाज़ एक है कि अतुल प्रधान यहाँ पर, अतुल प्रधान तो मैदान से हट गए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमजद है। मैं ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ा था, कम से कम 10-12-11 पार्षद थे, 6-7 पार्षद इस टाइम अतुल प्रधान के साथ हैं, तन से मन से सब। और बाकी की अतुल प्रधान के साथ ओवैसी की और टीम भी है। ये इसलिए क्योंकि जिंदा शेर है, मुर्दा शेर नहीं है। क्योंकि योगेश वर्मा 19 के भी लड़ा था, 22 के भी लड़ा है, बताओ क्यों नहीं जीत के आए ये? अच्छा, बढ़िया नहीं है प्रत्याशी वो? अभी वो तो कुदरत बताएगा भाई। पहले हमारे भानु प्रताप को टिकट हुआ, क्यों ये बढ़िया नहीं थे? यही तो मैं सवाल, यही तो मेरा सवाल, मैं भी तो ये सवाल कर रहा हूँ कि भानु प्रताप को, फिर अतुल को, फिर क्यों आए? पढ़े लिखे समाज के मानी गिरामी चेहरा थे। अब हमारे कुछ दिन पहले हमारे भड़ाना साहब जीते, बाहर के आगे जीते, कि भानु प्रताप क्यों नहीं जीतता? ये तो मनमौजी कर रहे हैं अपनी बस। पार्टी में बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत नुकसान है पार्टी का। क्या पार्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बार बदलना पड़ा? पार्टी पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और यहाँ माहौल को देखते हुए जैसे हमारे अतुल प्रधान जी का टिकट कटा, वो निर्णय बिल्कुल गलत है। ये समाज में भी और मुस्लिम उसमें भी ये मैसेज जा रहा है, इसमें जिसे बिल्कुल अतुल प्रधान का टिकट होना चाहिए था, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल गलत किया है। जिंदा शेर है। आपका भी यही कहना? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना, 100% कहना। बहुत हर समाज का, उसमें ये नहीं कि गुजर हो या मुस्लिम हो या जाट हो, इसमें सब समाज का ये कहना था कि ये जो है माननीय अखिलेश जी ने जो टिकट काटा है ये ठीक नहीं किया है। इससे जो ना, जो जीती जिताई सीट को ये हराने की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो है ना 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी जो ना, जो जिस गणित पर इन्होंने इनको टिकट दिया, वो गणित वो इसमें कामयाब नहीं होगा। आपका क्या नाम? देखिए जी, मेरा नाम राजा है, मैं यहीं शहर का ही रहने वाला हूँ। और अतुल प्रधान जी को मैं स्कूल में पढ़ता था, जब से जानता हूँ। यहाँ का मैं और जगह की तो बात नहीं करता, लेकिन हमारे जो मेरठ शहर का जो युवा है, जो नया तबका, जो लड़का मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी बिरादरी का हो, वो सब समाज का युवा जो है अतुल प्रधान जी के साथ जुड़ा हुआ है। और अतुल प्रधान जी का टिकट कटने की वजह से ठेस पहुँची है बहुत ज़्यादा। इससे पार्टी को सिर्फ नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मुस्लिम कार्यकर्ता थे, और साथ में जो हमारे पास, हमने यहाँ लोगों से भी बात की, तो सबका एक ही मानना है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो पार्टी मुखिया ने फैसला लिया है वो सही है, गोलमोल जवाब ही देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं
परेशान करने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए कि उनको 3 बार टिकट बदलना पड़ा और उसका नतीजा क्या होगा ये चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो अतुल प्रधान का टिकट कटा है वो बहुत गलत हुआ है। अब वो अपना गुस्सा किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।